नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। कनाडा के ब्रैम्पटन में दिवाली समारोह के दौरान कथित तौर पर खालिस्तानी झंडे लेकर आए उपद्रवी घुस गए और त्योहार मना रहे लोगों पर पथराव करना शुरू कर दिया। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब भारत सरकार ने कनाडा को संदेश भेजकर अपने देश में चरमपंथी तत्वों पर नकेल कसने और पूजा स्थलों पर हो रहे हमलों पर अंकुश लगाने को कहा है। खालसा वाक्य की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना ने धार्मिक घृणा से प्रेरित हमले की चिंता उत्पन्न कर दी है। यह केवल समुदाय पर आंतरिक हमला नहीं है, जैसा कि पुलिस ने शुरू में कहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना से प्रभावित समुदाय में गुस्सा फैल गया। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 6 लोगों को प्रतिष्ठित इंफोसिस पुरस्कार 2023 देने की बुधवार को घोषणा की। विजेताओं में IIT कानपुर के 2 वैज्ञानिक भी शामिल है। पुरस्कार 13 जनवरी को प्रदान किए जाएंगे। विजेता 6 श्रेणियों इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर विज्ञान, मानविकी, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में चुने गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप में अपना अजेय क्रम बरकरार रखते हुए बुधवार को न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा मैच के बाद कहा गया कि हमारे गेंदबाज आए और नई गेंद से आगे बढ़कर गेंदबाजी की और विकेट हासिल किए। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आपको पहले विकेट लेने होते हैं और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं यह नहीं कहूंगा कि सेमीफाइनल का कोई दबाव नहीं था। जब भी आप खेलते हैं हमेशा दबाव होता है और जाहिर तौर पर सेमीफाइनल में कुछ अतिरिक्त जुड़ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को डिजिटल लोन गाइडलाइंस के पालन में कमियों के कारण बजाज फाइनेंस लिमिटेड को 2 लोन प्रोडक्ट्स के तहत लोन को मंजूरी और डिसर्बल को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। RBI ने बजाज फाइनेंस को अपने 2 लोन प्रोडक्ट्स ईकॉम और इंस्टा EMI कार्ड के तहत लोनों को मंजूरी और डिसबर्सल रोकने का निर्देश दिया। RBI ने एक बयान में बताया कि बजाज फाइनेंस ने ईकॉम और इंस्टा EMI कार्ड लोन प्रोडक्ट्स के तहत बोरोवर्स की महत्वपूर्ण जानकारी जारी नहीं की है जो छोटे टिकट कंज्यूमर फाइनेंस का ऑफर करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी रणनीतिक खरीद नीतियों पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत की खरीद नीतियों ने वैश्विक मुद्रास्फीति को प्रबंधित किया। उन्होंने वैश्विक तेल और गैस बाजारों को स्थिर करने में भारत की भूमिका पर जोर दिया। लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा 1 अरब लोग दुनिया को कैसे देखते हैं शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मामलों में भारत की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने वास्तव में अपनी खरीद नीतियों के जरिए तेल बाजारों और गैस बाजारों को नरम कर दिया है। हमने वास्तव में वैश्विक मुद्रास्फीति को प्रबंधित किया है। मैं आपको धन्यवाद का इंतजार कर रहा हूं। इस साल 14 जुलाई को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाले LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का क्रायोजेनिक ऊपरी हिस्सा बुधवार को पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश कर गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यह जानकारी दी। इसरो ने एक बयान में कहा, संभावित प्रभाव बिंदु का अनुमान उत्तरी प्रशांत महासागर के ऊपर लगाया गया है। अंतिम ग्राउंड ट्रैक भारत के ऊपर से नहीं गुजरा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली और NCR के इलाकों में आज सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के पार रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में AQI 480, RK पूरा में 418, पंजाबी बाग में 430 और ITO में 408 रहा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण के साथ साथ कोहरा छाने की भी आसार नजर आ रहे हैं। फिर गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता दिवाली से पहले NCR में वर्षा के कारण प्रदूषण का स्तर जो कम हुआ था उसका असर अब खत्म हो गया है। भारत में अगले 1 सप्ताह में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। इससे ठीक पहले सोने चांदी की कीमतों में तेजी दिखनी शुरू हो गई है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत 440 रुपए बढ़ गई। इसके बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 61,040 रुपए हो गई। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में भी 400 रुपए की तेजी आ गई। इसके बाद 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 55,950 रुपए हो गई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 9,431 भर्तियां पहली से 5वीं तक के स्कूल टीचर पद पर की जानी है। ये भर्तियां बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2023 के तहत की जाएगी। प्राइमरी टीचर बनने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, जिसने बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 पास किया हो, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, जिन्होंने CTET BTET पास किया हो, उन्होंने 60% नंबर पाए हो, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने 50% नंबर पाए हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में भारत से चुराई गई और हाल ही में इंग्लैंड में खोजी गई 8वीं सदी की 2 मंदिरों की मूर्तियों की स्वदेश वापसी समारोह की अध्यक्षता की। जयशंकर ने ब्रिटेन की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन इंडिया हाउस में मूर्तियों का अनावरण किया और कहा कि वह उनकी स्वदेश वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा, आज यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक दूसरे की संस्कृति की सराहना करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांस्कृतिक आदान प्रदान कानूनी, पारदर्शी और नियम आधारित हो।
देश में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की राह पर चलने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। देवभूमि की विधानसभा इस कानून के मसौदे यानी विधेयक पर चर्चा करने को आतुर है। हालांकि कानून के आज की राय में राज्य को ऐसा अधिकार संविधान में नहीं है, लेकिन विधानसभा अपने दायरे में रहकर कितना कर सकती है इसकी लक्ष्मण रेखा भी इसके जरिए तय हो जाएगी। सीएम धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड में प्रस्तावित यूसीसी का उद्देश्य किसी वर्ग को निशाना बनाना नहीं है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में गणपति पुले के तट पर फंसे 35 फुट लंबे व्हेल के बच्चे को 40 घंटे की कोशिशों के बाद बुधवार को वापस समुद्र में धकेल दिया गया, जिससे पर्यटक स्थल पर पर्यटक और स्थानीय लोग खुश हो गए। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 4 टन वजनी व्हेल का बच्चा सोमवार को तट पर पहुंचा, लेकिन कम ज्वार के कारण समुद्र तट के पास रेत में फंस गया। यात्री और स्थानीय लोगों ने पानी में संघर्ष कर रहे समुद्री स्तनपाई को देखा और रत्नागिरी पुलिस सहित अधिकारियों को सतर्क कर दिया। तटरक्षक बल ने उत्साहपूर्वक बचाव अभियान चलाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 7 राज्यों के 40 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए। इस घटना को करीब 100 घंटे हो चुके हैं। इस टनल हादसे का आज 5वां दिन है, लेकिन अब तक किसी भी मजदूरों को नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत कई नागरिक सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अभी मशीन असेंबल नहीं हो सकी है, उसमें प्लेटफॉर्म पर फिट करने में समय लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मलबे के अंदर टनल निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कुछ मशीनें भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा के नजदीक वैशाली एक्सप्रेस की एक कोच में आग लग गई। आग लगने के बाद यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि यह ट्रेन सुबह के वक्त दिल्ली से सहरसा के लिए रवाना हुई थी। इस बाबत डिप्टी सीएमओ श्रीनिवास यादव ने कहा कि दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस के बाथरूम में आग लगी। बोगी में कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और आग लगने के कारणों को अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि गाड़ी को स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है और घटनास्थल पर मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ पर दाव लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। 22 नवंबर से खुलने जा रहे टाटा ग्रुप के इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 475 रुपए से 500 रुपए तक किया गया है। अनलिस्टेड मार्केट की तुलना में प्राइस बैंड 47.4% सस्ता है। बता दें कि अनलिस्टेड मार्केट में टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ 950 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने ऐलान किया है कि अब चैट बैकअप के लिए कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं दी जाएगी। डब्ल्यू ए बीटा इन्फो की रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रॉइड 2.23.24.21 अपडेट के साथ कंपनी निकट भविष्य में व्हाट्सएप बैकअप के लिए अनलिमिटेड स्टोरेज कोटा की पेशकश बंद करने का प्लान बना रहा है। इसका मतलब है कि जल्द ही वो एंड्रॉइड पर व्हाट्सएप का बैकअप लेना iOS की तरह ही काम करेगा और यूजर्स 15 GB फ्री स्टोरेज का इस्तेमाल करके ही बैकअप ले पाएंगे। अगर आपका 15 GB फ्री स्टोरेज फुल हो जाता है तो आपको अब इसके लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज भी खरीदना पड़ सकता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार वर्ष 1860 में आए प्रथम भारतीयों की याद में स्मारक बनाने जा रही है। सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि 1860 में दक्षिण अफ्रीका में पहले भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के आगमन की स्मृति को सम्मान करने के लिए एक स्मारक पर काम जल्द ही शुरू होगा। स्मारक का काम 2010 में शुरू हो गया था, लेकिन फंडिंग और नौकरशाही की खींचतान के कारण इसके निर्माण में देरी हो गई। बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी भारतीय मूल का समुदाय गुरुवार को 1860 में बंदरगाह शहर डरबन में तत्कालीन पोर्ट नटाल के गन्ना बागान में काम करने वाले पहले भारतीयों के आगमन का जश्न मनाएगा। बिहार में एक तरफ जहां लगातार तेजी से शिक्षकों की बहाली हो रही, तो वहीं दूसरी ओर बीपीएससी की ओर से जारी किए गए परिणाम पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। अब इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षक नियुक्ति के प्रथम चरण के परिणाम पर सवाल उठाने वाले 741 शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग नोटिस जारी करेगा। गूगल सर्च के दौरान यूजर्स को ह्यूमन एक्सपीरियंस से जुड़ा कंटेंट देने के लिए कंपनी नोट्स फीचर को लेकर आई है। फिलहाल इस फीचर को यूएस और भारत में जारी किया गया है। इसके तहत जब आप किसी सब्जेक्ट पर सर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल पर नोट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही आप दूसरे लोगों के द्वारा ऐड किए गए नोट्स को देख भी पाएंगे। नोट्स फीचर के जरिए आप अपना एक्सपीरियंस अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शेयर बायबैक करने का फैसला किया था और अब उसके लिए तारीख का भी ऐलान कर दिया है। टीसीएस ने शेयर बायबैक प्लान के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में टीसीएस ने बताया कि बायबैक प्लान में 17,000 करोड़ रुपए के शेयर लोगों से खरीदे जाएंगे। कंपनी ने एक इक्विटी शेयर की कीमत 4,150 रुपए तय की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर बुधवार को 3,399 रुपए पर बंद हुआ। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में यादव समाज को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा भी यादव समाज को लेकर अपनी टिप्पणी दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले यादव को अलग कर रहे हैं तो करने दीजिए, रहने दीजिए, इसमें किसी को कोई मन ही नहीं है। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र से काम करना चाहिए। हम तो उनको इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि वह यादव को अलग कर रहे हैं। उनको जो करना है करने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
बिहार में नए नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए रिजाइन करने पर ज्वाइनिंग लेटर मिलने का फरमान बदल दिया गया है। अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने से पहले रिजाइन नहीं करना होगा, सिर्फ अनापत्ति प्रमाण पत्र ही जमा करना होगा। दरअसल पहले कहा गया था कि जो नवनियुक्त शिक्षक कहीं प्राइवेट या सरकारी जॉब कर रहे हैं उन्हें पहले रिजाइन करना होगा, इसके बाद ही ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती के पहले फेज में 1,20,336 शिक्षकों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इनमें से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट या सरकारी जॉब कर रहे हैं। इस सप्ताह लोक आस्था का महापर्व छठ की वजह से बिहार कैबिनेट की बैठक नहीं होगी। ऐसे में बिहार कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को सुबह 10:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल की में बुलाई गई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 4% डीए पर मुहर लग सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के द्वारा पिछड़ा अति पिछड़ा और SC ST को दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा 50% से 65% करने का फैसला लिया गया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर भर्ती करने का फैसला लिया था, जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट अब करीब आ गई है। अप्लाई करने के पात्र और इच्छुक उम्मीदवार भर्ती के लिए 16 नवंबर यानी कि आज तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक साइट upsc.up.nic.in पर जाना होगा। इस अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त किया होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। रणबीर कपूर एक बार फिर फिल्म एनिमल से धमाल मचाने के लिए तैयार है। एनिमल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और फिल्म में एक्टर का लुक देखने के बाद से हर कोई उन्हें अलग लुक में देखने का इंतजार कर रहा है। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। खास बात यह है कि एनिमल 30 नवंबर को US में रिलीज हो जाएगी। US में अभी से एनिमल को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनावी रथ रुक गए हैं और लाउडस्पीकर खामोश हो गए हैं। इसके बावजूद BJP और कांग्रेस दोनों के महंगे डिजिटल अभियान सोशल मीडिया साइटों खासकर फेसबुक पर जारी है। News 18 को पता चला है कि अगर तेलंगाना और MP के प्रचार खर्चों को ध्यान में रखा जाए तो पिछले महज एक हफ्ते में कांग्रेस फेसबुक विज्ञापनों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी रही है। BJP दूसरे स्थान पर है, लेकिन पिछले 7 दिनों में भारत में फेसबुक पर डीजे विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के मामले में BJP सबसे ऊपर है। शिक्षकों को उनके स्कूल के नजदीक आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग एक नीति बना रहा है, जिसमें आवास देने के लिए तमाम प्रक्रियाओं और नियमों का उल्लेख रहेगा। नीति बनाने के बाद विभाग राज्य कैबिनेट की मंजूरी लेगा। नीति लागू होने के बाद आवास की सुविधा शिक्षकों को दी जाएगी। शिक्षकों को आवास देने के लिए विभाग ने संबंधित मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से सुझाव मांगे हैं, जिसको लेकर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। गोष्ठी में कई लोगों ने अपना आवास किराए पर देने के लिए सहमति दी है। कोरोना के बाद लोग ट्रेनों से अधिक सफर कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की है। इसके साथ ही पैसेंजर और सबअर्बन ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों अप्रैल से अक्टूबर के बीच है। कोरोना से पहले एक्सप्रेस मेल सबअर्बन और पैसेंजर ट्रेनों को मिलाकर संख्या 10,186 थी, वही अब यह संख्या बढ़कर 10,748 हो गई है। इस तरह कुल 562 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन हो रहा है। विदेशी बाजारों में डॉलर की मजबूती ने भारतीय करेंसी को प्रभावित किया है। गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबला रुपया 9 पैसे गिरकर 83.18 पर आ गया है। आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया गिरावट के साथ 83.18 पर खुला। सुबह के कारोबार में यह सीमित दायरे में रहा। बीते दिन बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे बढ़कर 83.09 पर बंद हुआ, क्योंकि अमेरिकी मुद्रास्फीति उम्मीद से कम आने के बाद अमेरिकी मुद्रा अपने ऊंचे स्तर से पीछे रह गई। दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला CBI को भेजा है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेजी थी। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बामनोली गांव में 19 एकड़ जमीन के अधिग्रहण में कथित भ्रष्टाचार के लिए नरेश कुमार को पद से हटाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट CBI को भेजी है। दिल्ली मंत्री ने 650 पन्नों की रिपोर्ट केजरीवाल को सौंपी। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चितन ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकुमार, नौशद अंसारी, नोनो गोलू कुमार, धनंजय कुमार, रविशंकर, रूपम ज्योति। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में छठ पूजा को लेकर घाटों पर क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।